हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे। आज के वीडियो में दिखाएंगे डीजीपे लाइट यानी सीएससी का जो डीजीपे है उसमें अगर आप काम करते हैं तो सबमिट वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा या आपको नहीं मिल रहा सबमिट वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन को किस तरह से लाया जाता है पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलते रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि कस्टमर का कैश विड्रॉल करने के लिए हम सारा डिटेल भर दिए हैं, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक भी सिलेक्ट कर लिए हैं। अमाउंट यहाँ पर टाइप करना है तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा नीचे जाने के लिए कि कहाँ पर अमाउंट डालेंगे, और सबमिट वाला ऑप्शन भी यहाँ पर नीचे आता है वो नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर ऊपर नीचे करने पर भी ये नीचे नहीं जा रहा और यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। ये छुपा हुआ ऑप्शन को देखने के लिए सबसे ऊपर थ्री डॉट का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, मैक्सिमाइज पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अमाउंट लिखने का जगह आपको दिखाई दे रहा होगा और सबमिट का ऑप्शन भी नीचे दिखाई दे रहा है। फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और रीस्टोर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कैप्चर वाला ऑप्शन आ गया है, यहाँ से हम कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर अपना फिंगर स्कैन कर लेगा। तो देखिए जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर माउस को नीचे की ओर ले जाएंगे तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कभी कभी ये ऑप्शन हट जाता है तो आपको मैक्सिमाइज करके ही काम करना होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।